गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, बस आप ऐसे ही खुश रहिए। सो गाइस आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने स्किन केयर कैसे कर सकते हैं अगर आपके फेस में कोई प्रॉब्लम है, स्कार की, एक्ने की, पिगमेंटेशन की, हायर पिगमेंटेशन की, फाइन लाइंस की, वो सभी के लिए बहुत अच्छी है। और जिनके फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी उसको यूज कर सकते हैं, और हर कोई उसको यूज कर सकता है, किसी भी स्किन टाइप का उसको यूज कर सकता है, और आपको उन तीनों चीजों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, प्लस वन थिंग, आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें मैंने सनस्क्रीन नहीं ऐड की हुई है। सो, ये तीन चीजें करने के बाद आप सनस्क्रीन जरूर लगाना। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए। हिट करने के बाद आप उस पर तीन ऑप्शन आते हैं, आप ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोज मेरे देखने को मिल जाएंगे जो भी मैं अपलोड करूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस मैं बात कर रही थी गुड वाइब्स, सबको पता है इस ब्रांड के बारे में, पर्पल से मिलता है ये गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर। एक ये है, आपको एक ये चाहिए होगा, एक आपको चाहिए होगा इसका मास्क रोज हिप्स का ही, ये भी गुड वाइब्स का ही है, और आपको चाहिए होगा इसका सीरम। बस ये तीन चीजें अगर आपके पास होगी ना, आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लो करेगा, यूथफुल लगेगा और इतना शाइन करेगा कि आपको इसके सिवा एक्स्ट्रा करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके फेस पे कुछ प्रॉब्लम है तो अगर आपको फेस डल भी दिखता ना, सिर्फ आप ये तीन चीजें यूज करोगे ना तो आपका फेस बहुत ही ग्लोई लगेगा। चलिए देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो मैंने इसमें स्क्रब नहीं ऐड किया हुआ है, मैं बताऊंगी मैंने क्यों नहीं इसमें लिया हुआ स्क्रब, मैंने यही तीन चीजें ली हुई हैं, तो उसका रीजन भी बताऊंगी कि क्यों नहीं मैंने स्क्रब लिया हुआ और ना ही मैंने फेस वॉश लिया हुआ है। देखिए फेस वॉश आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, अगर आप सोप करते हो सोप से करिए, फेस वॉश अगर लिया हुआ उससे करते हो उससे करिए, अगर आप कोई क्रीम से करते हैं जैसे ये आजकल इसके क्लींजर आए होते हैं, अगर आप वो यूज करते हो आप उससे फेस क्लीन कीजिए, किसी भी चीज से फेस क्लीन कीजिए, इवन आप सिंपल कर्ड होता है उसे भी अपना फेस क्लीन कर सकते हैं, या मिल्क होता है उससे भी कर सकते हैं, किसी भी चीज से करिए। सो उसके बाद ये तीन चीजें लगाइए, आपको फेस बहुत ही ज्यादा ग्लो करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करना है, चलिए देखते हैं। फिर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया हुआ है जिससे मैं फेस वॉश करती हूँ, तो देन इसके बाद मैं ये यूज करने वाली हूं। सबसे पहले मास्क इसका देख सकते हैं आप, तो ये है स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस मास्क। जैसे कि आपको पता है कि गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं पैराबिन फ्री होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं, क्रियोटेल फ्री होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अगर आप प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 335, और जैसे कि आपको पता है इस पे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा बहुत ही इजीली और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा ये, क्योंकि इसके ऊपर तो ऐसे ऑफर भी आते हैं कि आप इतना खरीदिए आपको 40% ऑफ मिल जाएगा या 1 buy get 1 फ्री मिल जाएगा, इस तरह से इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑफर आते रहते हैं। तो देखिए मैंने इसको ओपन किया, ये कुछ इस तरह से है, देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज किया हुआ है, तो इसके ऊपर एक लीड आती है। आपने क्या करना है, इस तरह से फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से आपने इसको लगा लेना है। मुझे सबसे बेस्ट लगता है फिंगर की हेल्प से लगाना, तो लेकिन मेक श्योर रहिए कि अपने हाथ धोए हुए हो, गंदे हाथों से मत लगाइए, उल्टा पता चले कि आपको और पिंपल्स हो गए हैं। तो इस तरह से अपने पूरे फेस पे पहले आप मास्क लगा लीजिए फेस वॉश करने के बाद। मैं मिरर लेना ही भूल गई, बस इस तरह से ही लगा रही हूं मैं कैमरा में देख के। इस तरह से आपने पूरे फेस पे लगा लेना है और इसको 10-15 मिनट्स तक ड्राई होने के लिए रख देना है, जैसे कि हम देखते हैं। पर जब ये ड्राई हो जाए, पूरी तरह से इसको ड्राई मत होने देना, तो जब ये ड्राई हो जाए तो इसको हल्के हाथों से मैं बताऊंगी किस तरह से आपने इस मास्क को निकालना है। सो गाइस ये ड्राई हो चुका है, 80% तो हो गया है, अब मैं बताती हूँ क्या करना। आपने ये प्लेन वाटर लेना है, ये प्लेन वाटर है, अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए। मैं तो ये आपको बताने के लिए कर रही हूँ, वॉशरूम में जाइए अपना फेस थोड़ा सा गीला कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे रिमूव करना है इसको।
देखिए आपने इस तरह से इसको गीला कर लिया, फिर हल्के हाथों से आप इसको जैसे स्क्रब करते हो ना उस तरह से करना है। इस यही एक रीजन था कि मैंने अलग से स्क्रब नहीं लिया। इससे क्या होगा, ये स्मूथ है, इससे हमारी स्क्रबिंग भी हो जाएगी और जो हमने फेस मास्क लगाया है ना उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। और इस तरह से आप करोगे तो आपका फेस जो है स्क्रब भी हो जाएगा। सो इसलिए मैंने स्क्रब नहीं लिया था, मैं इसी तरह से जो फेस मास्क है निकालती हूँ। आप भी एक बार इसी तरह से ट्राई करना। अलग से आपको स्क्रब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस मैं अब फेस वॉश करके आती हूँ अच्छे से। तो देखना सिर्फ मास्क लगाने के बाद ही आपके फेस पे कैसा प्यारा सा ग्लो आ गया है। सो गाइस मैं अपना फेस अच्छे से वॉश करके आई हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना चेंज दिख रहा है फेस में। तो आपको इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप इसको लेना चाहते तो ले सकते हैं, स्क्रब खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही फेस वॉश खरीदने की जरूरत है इसकी। सिर्फ ये तीन चीजें खरीद लीजिए तो आपके फेस पे ग्लो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। और इससे क्या है कि फेस मास्क जब आपने लगाया, जब वो थोड़ा सा ड्राई हो गया, 70% 80% ड्राई हो गया, आप इसी तरह से कीजिए, पानी अपने फेस पे लगा के हल्के हाथों से जिस तरह से हम स्क्रबिंग करते हैं अपने फेस की उसी तरह से आपको करनी है, तो आपको इसका डबल रिजल्ट मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है आपने, ये है टोनर, तो आपने इसको अपने फेस को स्प्रे कर लेना। मैं डायरेक्ट करती हूँ, कोई भी मैं कॉटन पैड नहीं लेती हूँ, ना ही अपने हाथों पे लेती हूँ, वो मुझे लगता वेस्ट होता है। कॉटन पैड पे लेंगे आधा तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो सीधा मैं अपने फेस पे ही लगाती हूँ और अच्छे से अपने फिंगर के साथ। वैसे तो मैं मोस्टली ऐसे ही छोड़ देती हूँ, खुद ब खुद ये ड्राई हो जाता है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मुझे खुद ड्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं अपने फिंगर के साथ ही थोड़ा सा डैप डैप कर रही हूँ कि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। एंड देन उसके बाद जब ये अच्छे से इस तरह से पूरे स्किन के अंदर ये ऑब्जर्व हो जाए, वैसे मैं आपको एक सजेशन दूंगी, जब आप कोई भी टोनर अपने फेस पे या मिस्ट अपने फेस पे लगाते हैं ना, उसको इसी तरह से छोड़ दो, खुद ब खुद वो ऑब्जर्व हो जाए आपकी स्किन के ऊपर। और मैं तो कहती हूँ कि कॉटन पैड के साथ तो रहने दो, सीधा स्प्रे करो और खुद ब खुद उसको ऑब्जर्व होने दीजिए, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर मैं बताती हूँ सीरम लगाना है। सो गाइस अभी देखिए मैंने दो चीजें ही यूज की हैं और फेस पे ग्लो देखिए। अब मैं लगाने जा रही हूँ सीरम इसकी। तो सीरम अगर आप चाहते हैं अपने फिंगर पे लेके लगाना, उस तरह से भी लगा सकते हैं। मैं सीधा अपने फेस पे ही ड्रॉप लेती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए गाइस कितना प्यारा ग्लो आ रहा है, और ये सीरम है भी बहुत अच्छी। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी कहते हुए सुना होगा और ये सच में बहुत ही अच्छी है। ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छी हैं। इसका मैंने ये तीन चीजें ही यूज की हैं, रोज हिब्स की, गुड वाइब्स के ब्रांड की, लेकिन ये मुझे तीनों ही बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अच्छे से स्किन को बना देती है और बिल्कुल सॉफ्ट और सप्पल स्किन बना देती है। एकदम से ऐसा लगता है कि बेबी स्किन होती है, उस तरह से फीलिंग आती है। एक बार अगर आप जब ट्राई करोगे ना आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ग्लो देखिए कितना प्यारा ग्लो आ रहा है इसको लगाने के बाद। और अगर आप इसको रूटीन में लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। सो मेरी तरफ से तो इसको 2 thumbs up हैं, क्योंकि एक तो इसकी खुशबू भी ऐसी है जैसे बिल्कुल नेचुरल है, तो उसका जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो भी मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, क्योंकि बजट में भी है, सभी इसको खरीद सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस पे डिस्काउंट चल रहा होता है, कई बार तो ऐसा डिस्काउंट चल रहा होता है बाय वन गेट वन फ्री। अगर आप इसका मास्क लेते हो तो आप इसके साथ इसको ऐड कर दो तो एक ही के आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, बस यही तीन चीजें लीजिए तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी।
मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो देखिए सीरम लगाने के बाद भी कितना अच्छा सा प्यारा सा ग्लो आ रहा है। अभी स्किन पे कुछ नहीं लगाया हुआ है मैंने, बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ है, यही तीन चीजें लगाई हैं और ग्लो देखिए मेरे फेस पे। सो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर लाइक जरूर कीजिए हर किसी के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो। और यस ये चीज भी ध्यान में रखना, अगर आप इसको यूज करते हो तो मुझे अपना रिव्यू जरूर शेयर करना नीचे कमेंट बॉक्स में। सो बाय।